जमातुल दावा प्रमुख और मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगला तो भारत सरकार ने भी नसीहत दी है। पाकिस्तान को सख्त लहजे में यह कह दिया गया है कि उसे हाफिज के भड़काऊ भाषणों और गतिविधियों पर लगाम कसनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की शह पर ही सईद आग उगल रहा है। कश्मीर में जो जंग हो रही है, अगर ये मजीद तवील होती है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगी। इस बात को होश से समझ के इससे इसके ऊपर फौरी कदम उठाने की ज़रूरत है। आतंक के सबसे बड़े आका ने खुलेआम धमकी दी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान की सरजमी से एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है? खून भी पेश करते रहे। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड डंके की चोट पर ऐलान कर रहा है कि बात पठानकोट से आगे जाएगी, तो क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान में भारत के खिलाफ फिर आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है? मसला फिर श्रीनगर तक नहीं रहेगा, ये मसला पठानकोट तक चला गया, उससे आगे जाएगा। अब सवाल ये कि लश्कर के चीफ हाफिज सईद की धमकी का क्या मतलब निकाला जाए? कहीं पठानकोट के बाद आतंकियों ने भारत के दूसरे एयरबेसों पर भी नजर तो नहीं टिका रखी? कहीं देश के एयरबेसों पर आतंकी हमले का खतरा तो नहीं मंडरा रहा? मैं तो पाकिस्तान का कोई संगठन का कोई भी जो भारत विरोधी है उसका हर बात को मैं जवाब दूंगा तो ये हमारा देश के लिए अच्छा नहीं है, वो जवाब देने लायक नहीं है। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि लश्कर का मुखिया हाफिज सईद बिना रोक टोक पीओके में घूम रहा है, मुजफ्फराबाद में रैली कर रहा है और कश्मीर का नाम ले लेकर अपनी नापाक जुबान से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। मसला ये है कि हम ये चाहते हैं कि भाई अगर इनको कोई जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को, तो मोदी को भी तो एहसास होना चाहिए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। आप क्यों उनकी आज़ादी पर इस तरह फौजी कुव्वत के जरिए यानी इसको दबा रहे हैं? और जब कोई चीज़ दबाई जाती है तो फिर जाहिर है कभी वो इधर से निकलती है कभी इधर से निकलती है, तो आप इसका इजाला करें। एक तरफ हाफिज सईद की धमकी है कि बात पठानकोट से आगे जाएगी, तो दूसरी ओर बिहार के दरभंगा में एयरफोर्स स्टेशन से करीब 4 संदिग्ध युवकों को धरे जाने की खबर। तीसरी तरफ भारत पाक सीमा से सटे सभी एयरफोर्स स्टेशनों पर शूट एट साइट के ऑर्डर हैं, और चौथी तरफ एयरफोर्स स्टेशनों की सुरक्षा को लेकर सरकार की जोरदार कवायद। दरअसल हाफिज सईद की धमकी के साथ ही बिहार के दरभंगा में 4 संदिग्ध युवकों के धरे जाने की खबर भी आई। वो चारों जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के भीतर बने केंद्रीय विद्यालय के करीब फोटोग्राफी कर रहे थे। वो अपने मोबाइल से स्कूल का फोटोग्राफी ले कर रहे थे तो मुझे संदेह हुआ। हाँ, चूँकि ये बिल्डिंग एयरफोर्स कैंपस के अंदर आता है इसलिए ज़्यादा संदेह के नज़र से उस देखा जा गया और उसको पकड़ लिया गया। दरभंगा वो जगह है जहां कभी इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल एक्टिव हुआ करता था, लिहाजा जांच एजेंसियों ने बिना देर किए उन संदिग्ध युवकों से सवाल दागे कि आखिर उन्हें वैसी जगह की तस्वीरें कैमरे में कैद करने की जरूरत क्यों की जहां फोटो खींचने की पाबंदी है। तो सवाल ये कि कहीं आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशनों की फहरिस्त तो नहीं तैयार कर रखी है? कहीं एयरफोर्स स्टेशनों की रेकी तो नहीं की जा रही? सवाल ये भी कि हाफिज सईद की धमकी और दरभंगा में 4 कश्मीरी युवकों के धरे जाने में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं? यूनाइटेड नेशन को और इन सब बैनुलक्वामी इदारों को, अमेरिका समेत सबको, इंशाल्लाह हम इनसे बात करते रहेंगे, मोदी से बात करते रहेंगे और तहरीक आजादी के लिए इंशाल्लाह खून भी पेश करते रहेंगे। इस बीच हाफिज सईद जैसे आतंक के आकाओं के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। भारत और पाकिस्तान सीमा से सटे सभी एयरफोर्स स्टेशनों पर किसी भी संदिग्ध को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन हमें और चौकस रहने की दरकार है क्योंकि मुंबई हमले का गुनहगार पाक की पनाह में अपने नापाक मिशन में लगा है। अब मेरी अल्लाह के नाम पर गुजारिश है कि सब इकट्ठे हो जाएं। दरभंगा से प्रहलाद के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।
भारत सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने सवाल उठाया कि हाफिज कैसे आजाद घूम रहा है। We had seen reports that the government of Pakistan had banned the coverage of some of these organizations, including the one to which Hafiz Saeed belongs, and that electronic coverage of their rallies, etc., would not be permitted. But we are seeing now Hafiz Saeed making statement after statement, and his rallies are being covered. So I think obviously concerned individuals, organizations need to take their actions. अब सवाल ये भी कि अगर एयरफोर्स स्टेशन आतंकियों के रडार पर हैं तो सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती क्या क्या है। लेकिन हमारी एजेंसीज ने भी एयरफोर्स स्टेशन की पुख्ता सुरक्षा के लिए तैयारी की है। पठानकोट हमले से सबक लेते हुए पाक सीमा से सटे एयरबेसिस की सिक्योरिटी दुरुस्त की जा रही है और इसके लिए अत्याधुनिक उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। पठानकोट हमले को अंजाम देकर आतंकी आगाओं के पैर शायद सातवें आसमान पर हैं और उन्होंने शायद पठानकोट जैसे दूसरे हमलों का भी मंसूबा पाल रखा है। मसला फिर श्रीनगर तक नहीं रहेगा, ये मसला पठानकोट तक चला गया, उससे आगे जाएगा। लेकिन इंसान के भेष में घूम रहे इन राक्षसों को नहीं पता कि भारत इनकी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस कोशिश में जुटी हैं कि आतंकियों के मंसूबे नाकाम हों और आतंकी पठानकोट जैसे हमले को अंजाम देने के बारे में सोच भी न पाए। हमले के लिए पाकिस्तान से पठानकोट पहुंचे आतंकी एयरफोर्स स्टेशन की दीवार फांदकर एयरबेस में घुसे थे। एयरफोर्स स्टेशन में कोई गद्दार भी मौजूद था, क्योंकि जांच एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि दीवार पर लगी कटीली तारों को एयरफोर्स स्टेशन के भीतर से काटा गया था। लेकिन आगे से शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। एयरफोर्स ने फैसला किया है कि पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन परिसर की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। जल्द ही पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में नए किस्म के सिक्योरिटी सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से एयरफोर्स स्टेशन की निगरानी की जाएगी। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में क्वाड कॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्वाड कॉप्टर्स मल्टी रोटेटर हेलीकॉप्टर होते हैं। इतना ही नहीं, एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के लिए थर्मल इमेजर्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे ही हमारे पास स्क्वाड्रंस कम हो गए, 44 के अगेंस्ट 34 हैं, उसमें से भी अगर टेरिस के माध्यम से एक या दो स्क्वाड्रन राइट ऑफ हो जाए तो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हर एयरबेस हमारा टेररिस्ट की निगाह में है। सिर्फ पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा मजबूत नहीं की जा रही, बल्कि एयरफोर्स ने भारत और पाकिस्तान सीमा से लगे तकरीबन 54 एयरबेसों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उन एयरबेसों में सामरिक महत्व की चीजें मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में पाक सीमा पर बाड़ लगाने वाली BEL को एयरबेसों के चारों तरफ कटीले तार लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एयरफोर्स की सुरक्षा में तैनात वायुसेना पुलिस को सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ रेगुलर ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही एयरफोर्स स्टेशनों की सुरक्षा में अब ज्यादा गार्ड तैनात किए जाएंगे। इन सब में शूट एट साइट के भी ऑर्डर्स दे दिए, किसी को भी अगर दीवार को फांकते देखा गया या कुछ ऐसी कार्रवाई करेगा जो सस्पिशियस है, बिना वार्निंग के फायर किया जा सकता है। पठानकोट हमले के बाद एयरबेस की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है और सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तभी सांसदों का एक दल पाक सीमा पर हालात का जायजा लेने के लिए जा रहा है। सांसद राजस्थान के साथ साथ पंजाब में गुरदासपुर और पठानकोट बॉर्डर पर जाकर सुरक्षा इंतजामों की तस्दीक करेंगे। The committee will go to Pathankot, Gurdaspur. To see how the borders are managed and how our security forces are working in order to protect our borders. This is the purpose. पठानकोट जैसे हमले रोकने के लिए एयरबेस और सीमा की चौकसी तो बढ़ाई ही जा रही है। ये कोशिश भी की जा रही है कि गद्दारों की नापाक कोशिशों को भी नाकाम किया जा सके। पठानकोट हमले के बाद आखिरकार वायुसेना ने देश भर में फैले अपने 50 से ज्यादा अहम एयरबेसिस की सुरक्षा और आतंकी हमलों से निपटने के लिए करोड़ों रुपए का हाईटेक सुरक्षा प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन वायुसेना और सेनाओं के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती देश के अंदर घुसकर सेन लगा रहे जासूसों को ढूंढने की है।
स्मिता शर्मा के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। बिहार के 60 दलित छात्रों की खुदकुशी की खबर आज तक पर दिखाए जाने के बाद बिहार सरकार हरकत में आई। बिहार सरकार ने छात्रों की छात्रवृत्ति की रकम की पहली किश्त 17,39,770